Rahul sir, Rahul Roy sir, who is a very dear friend, he suffered a mini stroke on that, and he had to be airlifted, and he's of course well on his way to recovery. दो चीज हमें चाहिए थी लीड में, एक चॉकलेट बॉय लुक्स जो आमिर खान जैसा दिखे या आजकल कार्तिक आर्यन जैसा, और दूसरा एक्शन, अक्षय कुमार या आज के टाइगर टफ श्रॉफ का फुल ऑन एक्शन चाहिए था. एंड इट वॉज नॉट अ न्यू कमर कि हमने एक को सिलेक्ट किया, हमने बहुत मल्टीपल राउंड ऑफ ऑडिशन किए, फोन से ऑडिशन आए, देन वी शॉर्टलिस्टेड, उसमें 10 लोग आके हमें लाइव ऑडिशन दिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स डॉट कॉम. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल. बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद उस तरह के प्रोफेशन में चले जाते हैं जिसके लिए उन्होंने बहुत साल पढ़ाई की होती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में एक क्रिएटिव चीज घूमती रहती है और उनको लगता है कि नहीं, अभी कुछ और एक्सप्लोर करना बाकी है. और ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं बॉलीवुड में अपने काम को आजमाने, अपनी किस्मत को आजमाने और सबसे बड़ी बात खुद को आजमाने के लिए. ऐसी एक पर्सनैलिटी हमारे साथ है, नितिन गुप्ता. वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. थैंक यू. ओके नितिन, सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस फिल्म से. सही होने इसके डायरेक्टर हैं, तो ये फिल्म के बारे में बताइए, कैसे इसको कंसीव किया, सोचा और कैसे प्लान किया और अब रिलीज पे है. मैं काफ़ी साल से रशिया में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं, VFX स्टूडियोज़ हैं, और मुझे वहाँ पे फिल्माने का बहुत मन था. और रशिया इज़ अ वेरी टू फेस्ड कंट्री. एक तरफ से आपको बहुत ब्राइटनेस दिखेगी, बहुत खूबसूरती दिखेगी, पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, द क्लब्स आर वेरी ब्यूटीफुल, द बीचेज आर वेरी ब्यूटीफुल, मॉन्यूमेंट्स वगैरह वेरी ब्यूटीफुल. ऑन द अदर हैंड उनकी एक डार्क अंडरबेली है जहाँ पे माफिया है, ब्राथवा है. रशियन माफिया को ब्राथवा कहते हैं, जो हमारे भाई लोग होते हैं मुंबई लैंग्वेज में. और वहाँ के स्ट्रिप क्लब्स हैं, वहाँ के नैरो रोड्स हैं, और एक वो एंशियंट सोवियत आर्किटेक्चर वाले बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे यू नो लिफ्ट जो है चलती है, घटर 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 करती है. जब आप दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टन्स ऑफ आइडियाज वहाँ पे रहने के बाद. तो मेरे दिमाग में एक ऐसी स्टोरी थी कि व्हेन वी मिक्स द ब्यूटी ऑफ रशिया विद द डार्क अंडरबेली ऑफ रशिया विद फॉर द इंडियन ऑडियंस. ओके, सो उसके लिए ऐसा एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसे कि सम वन इंडियन अलोन इज ट्रैप्ड इन द होल अंडरबेली ऑफ रशिया. हाँ, कि वहाँ के जितने भी विलेन के शॉर्ट्स आप रशियन देखिए, 7-7 फीट के, 8-8 फीट के मुस्टंडे होते, उनके बीच में एक इंसान ट्रैप है. तो मैंने अपने राइटर विशाल शर्मा, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, पीपी लाइफ, जॉली एलएलबी वगैरह में काम किया है और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया कि एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखे कि स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड के बारे में. सो उस तरह से हमने ये स्टोरी कंसीव की कि जो राजदीप है, ही इज़ अ शार्प शूटर, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, बट ही इज़ अ डरपोक टाइप ऑफ शार्प शूटर. उसे गन और वायलेंस एकदम पसंद नहीं है, और वो कोई सरकमस्टेंस से रशिया पहुंचता है जहाँ पे उसके साथ सारी घटनाएं घटती है. बट वी वांटेड टू मेक टोटल मसाला फिल्म. आई एम नॉट अ वेरी आर्ट काइंड ऑफ पर्सन, विशाल इज ऑल्सो नॉट अ वेरी आर्ट काइंड ऑफ पर्सन. हम चाहते थे सब कुछ डालें. तो दैट्स हाउ वी कंसीव द मूवी. वी केम अप विद द प्रेमाइस कि एक लड़का है, वो रशिया में फंसा है. सो प्रेमाइस हमने ये सोचा कि उसकी राजदीप की शादी होने वाली है और उसकी जो फियांसे है वो किडनैप होती है रशिया में. और ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत खुदा हाफिज फिल्म आई है अभी, उसमें सिमिलर टेरिटरी थी. और एक बागी 3 आई है, दोनों बहुत बड़ी बजट फिल्म्स है. उसके पहले हमारा कॉन्सेप्ट आया था और शूट की थी हमने फिल्म. अनफॉर्चुनेटली आवर मूवी इज़ कमिंग आउट नाउ, बट व्हेन यू सी द फिल्म, आप फिल्म में देखेंगे जहाँ बागी 3 और खुदा हाफिज ख़त्म होती है वहाँ पर हमारी फिल्म शुरू होती है. ओके ओके, द ट्विस्ट हैपेंस इन द मूवी विच इज़ अ ब्रांड न्यू मूवी ऑल टुगेदर. And yeah, that's how we came up with the movie. तो जब इतना प्लान करके आपने मूवी प्लान की और इतनी बड़ी मूवी जब प्लान हुई, तो उसमें आपने नए एक्टर को लेने का जो चैलेंज है वो कैसे ले लिया? एक चीज थी कि हमारे मूवीज में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, और दूसरा था कि इसमें बहुत सारे रोमांटिक गाने थे. वी आर बिग मसाला बॉलीवुड फैंस, और हम नहीं चाहते थे कोई आर्ट फिल्म बनाए या कोई डार्क फिल्म बनाए या एक सिंगल जॉनर फिल्म बनाए. तो दो चीज़ हमें चाहिए थी लीड में, एक चॉकलेट बॉय लुक्स जो आमिर खान जैसा दिखे या आजकल कार्तिक आर्यन जैसा, और दूसरा एक्शन, अक्षय कुमार या आजकल टाइगर श्रॉफ का फुल ऑन एक्शन चाहिए था. एंड वन थिंग वी वर क्लियर, बिकॉज हम रशिया में शूट कर रहे थे, वहाँ के लॉज जो हैं इंडियन लॉज से अलग हैं. दे अलाउ अस लॉट मोर फ्रीडम. दे अलाउ अस टू शूट विद एनिमल्स, दे अलाउ अस टू शूट विद लाइव एम्यूनिशन, लाइव गन्स, एक्सप्लोजन्स, हमें सब यूज़ करना था. और ऑल द स्टंट्स वी वॉन्टेड टू डू लाइव.
विदाउट बॉडी डबल्स, विदाउट केबल्स, विदाउट ग्रीन स्क्रीन. एंड इट वॉज नॉट अ न्यू कमर कि हमने एक को सिलेक्ट किया, हमने बहुत मल्टीपल राउंड ऑफ ऑडिशन किए, फोन से ऑडिशन आए, देन वी शॉर्ट लिस्टेड, उसमें 10 लोग आके हमें लाइव ऑडिशन दिए. एंड व्हेन समवन कुड सर्वाइव दिस, आई थिंक 90% ऑफ आर ऑडिशन पीपल दे रैन अवे. दे सेड कि सर आर यू क्रेजी, वी आर नॉट बी, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे. बट तन्मय सचदेव वॉज वन ऑफ द फाइनलिस्ट एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन द मूवी. ओके okay, मतलब ये हुआ नितिन कि अगर नए लोग भी नए चैलेंजेस लेने को तैयार है तो इंडस्ट्री भी उस चैलेंज को लेने को तैयार है, क्या नए लोगों को चांस देंगे? डेफिनेटली. व्हाई डिड टाइगर श्रॉफ मेक सच अ ह्यूज नेम फॉर हिमसेल्फ? राइट, बिकॉज ही डिड थिंग्स विच नो वन एल्स कुड. ही वाज डूइंग बैक फ्लिप्स एंड समरसॉल्ट्स एंड राउंड हाउस किक्स, ट्रिपल किक्स, एंड पीपल लव टू सी दैट. पीपल डिड नॉट केयर. आई एम नॉट सेइंग बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, बट टाइगर श्रॉफ दैट इज नॉट अमिताभ बच्चन या नॉट धर्मेंद्र. And he made it huge, bigger than you know the right, big the big guys. तो ये तो आप जान ही गए कि नितिन एक डायरेक्टर है, एनिमेशन स्टूडियोज इनके हैं, लेकिन ये म्यूजिक में भी दखल रखते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि भाई प्रोफेशन एक डॉक्टर है. तो डॉक्टर बने तब मजा आ रहा था या आज मजा ज्यादा आ रहा है? डॉक्टर बनने में कोई मजा नहीं है. डॉक्टर प्रैक्टिस करने में कोई मजा नहीं है. लेकिन एक बार आप डॉक्टर बनेंगे, मैं यहाँ के मुंबई के टॉप कॉलेज KEM हॉस्पिटल से पढ़ाई की है मैंने. एक बार आपने डॉक्टरी के सारे एग्जाम्स पास कर लिए ना, यू कैन फेस एनी एग्जाम इन लाइफ. नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू. आप हॉस्पिटल में आप जो चीज़ देखते हैं, यू हैव पेशेंट्स कमिंग इन, उनके पेट निकल रहे हैं, खून हो गया है, कोई मर रहा है, कोई जहर पी है, फायर एक्सीडेंट्स एंड द टेंशन. यू हैव टू वर्क 48 आवर्स इन अ स्ट्रेच, ड्रिप करे, एवरीथिंग यू डू अ लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. आफ्टर दैट एवरीथिंग सीम सिंपल. एंड being a doctor, at least in this COVID situation, it makes actors very feel very safe to work with me. So वो काम आया आज. बहुत काम आया. And you know, you never stop being a doctor. That's one thing. Okay. अभी आने वाले projects कौन-कौन से हैं आपके लिए? हमने हाल ही में film shoot की थी Walk, जो migrant workers के ऊपर था, जो migrant workers महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश walk करके गए हैं, उनके बारे में एक film हमने shoot की जुलाई अगस्त में. Okay. और उसका पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो गया है. सो अभी सेंसर वगैरह करके दैट बी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. एंड इमिडिएटली आफ्टर दैट नवंबर में हमने एक फिल्म शूट की. नवंबर दिसंबर में एक्चुअली लास्ट वीक ही मैं कारगिल से वापस आया हूँ. उसका नाम है LAC. ऑब्वियसली इट इज सेट इन द बॉर्डर लाइन्स विद आर इंडियन सोल्जर्स. उसका कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए इस शूट में. राहुल सर, राहुल रॉय सर, हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही सफर्ड अ मिनी स्ट्रोक ऑन दैट. And he had to be airlifted, and he's of course well on his way to recovery. वहाँ पे भी हमारे medicine के कुछ चीज़ें काम आई. और so ये these three movies are first in line. अभी सयोनी release हो रही है, Walk का post production खत्म हो गया है, और LAC is next project. राहुल रॉय इस फिल्म में भी हैं? राहुल रॉय सयोनी में, he is a surprise. He was supposed to be a surprise, of course now it's in the news. He is playing the role of Indo-Russian corrupt policeman. Okay. Who is the only person Rajdeep, the hero, connects with in Russia? Okay, great. Thank you, Nitin. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.